हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजेश और आप लोग जितने भी लोग हैं जो वैक्सीनेटर में फार्म भरे हुए हैं, तो मैं आज उनसे एक ख़ास चीज़ बताने वाला हूं कि आप जब जाते हैं अपने पशु विभाग के जो डॉक्टर हैं वहां पे जब जाते हैं नज़दीकी ब्लॉक में, तो आपको जानकारी देते हैं, बोलते हैं कि फार्म भर दो और भर के जमा कर दो, आपका हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा है, जितने भी उसमें टोला हैं, जितने भी गाँव हैं, उसमें एक ही आदमी का होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक आदमी का होता है, एक वैक्सीनेटर और एक सहायक। तो अब बात यह है कि आप लोग जाते हो और वहाँ पे पूछते हो और वो लोग कुछ पता नहीं क्या क्या अलग अलग जवाब देते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। मैंने भी अपना फार्म डाला हुआ था और बोलते हैं कि हो जाएगा, कोई कहता है कि नहीं हो पाएगा, कोई कहता है तुमसे पहले कोई फार्म डाला है। तो यार आप लोग ना उस टेंशन में मत रहना कि होगा या नहीं होगा, अगर होता तो भी अच्छा है, नहीं होता है तो अपना दूसरा कुछ जो भी आप करना चाहते हो उस पर आप ध्यान देना, और उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आपको उसमें सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगा। तो अपना बड़ा भाई समझना या छोटा भाई समझना और समझ करके और मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना, क्योंकि मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं और धक्के खा करके, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि उस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना आप लोग, क्योंकि उसमें टाइम की बर्बादी होगी और पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब एक ही सीट है एक ब्लॉक में तो पता नहीं आपका होगा किसी और का होगा, लेकिन कोशिश करते रहना, शायद हो जाए तो अच्छी बात है। मैंने भी डाला हुआ है अपना फार्म और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा नाम राजेश है, आप मेरा मोटिवेशनल चैनल है, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाइएगा, अगर मेरा हो जाता है तो आप लोगों की दुआ से और अच्छी बात है, आप लोगों का होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन हो जाएगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। अगर आपने सच्चे मन से उसको दिया है, डॉक्टर के पास जमा किया है, तो निश्चित ही हो जाएगा। और वैक्सीनेटर का काम होता है, आप लोगों को पता है, जैसे आपने वीडियो देखा होगा, तमाम वीडियो बने हैं कि इंजेक्शन लगाना होता है, पर इंजेक्शन पे 2.5 रुपये सहायक को मिलता है और 3 रुपये आपको मिलेगा जो वैक्सीनेटर रहेंगे, और अपने गांव में ही घूम करके वो लगाना होता है टीका। तो शायद आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्त, कोई भी नया अपडेट आता है ना वैक्सीनेटर के लिए, तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के दूँगा, और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके यूट्यूब है भाई, कोई भी देख सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।